हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विलयन सॉल्यूशन। तो इस सेक्शन में हम लोग विलयन की परिभाषा देखेंगे, विलयन के प्रकार देखेंगे और कोशों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के प्रोसीजर देखेंगे। यानी सांद्रता हम परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, बी बाई बी या डब्ल्यू बाई भी निकालेंगे। उसके बाद पीपीएम में सांद्रता निकालेंगे, पीपीबी में सांद्रता निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हम लोग मोलरता देखेंगे, उसके बाद नॉर्मलता देखेंगे, उसके बाद मोललता देखेंगे, इसके बाद मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज देखेंगे, इसके बाद विलयन की क्या विलयता देखेंगे, विलयता के डेफिनेशन देखेंगे, विलयन के प्रकार देखेंगे कि आपका तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। इसके बाद हम लोग संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। इसके बाद हम लोग विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म नेगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट माय न्यू चैप्टर दैट इज विलयन। तो दोस्तों, ये आपका विलयन सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी अनुपात के मिलाए जाए और मिल करके क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। और विलयन की परिभाषा आपकी क्या आ गई, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी, एक जैसा समांगी होमोजेनियस जो स्टेज प्राप्त होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो आपकी जो विलयन की परिभाषा आ गई, ये आपका विलयन, और विलयन की परिभाषा आ गई दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण कहा गया। और मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी अनुपात के मिलाए जाते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहोगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपाउंड कॉल्ड सोडियम। जैसे दोस्तों, हम जल में थोड़ी चीनी मिला दें और मिलाने के बाद उसको चला दे तो चीनी गायब, अर्थात क्या करेगी, डिजॉल्व हो जाएगी। चीनी और पानी मिलकर के एक जैसा हो जाएगा, चीनी को ढूंढते रह जाएंगे, चीनी के एक भी पार्टिकल नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि तो जो पानी है एक अच्छा विलायक है और वो चीनी के क्रिस्टल को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और आप जानते हो कि द्रव अवस्था में यानी जल के अणुओं के बीच में क्या होता है, खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस, जिसको आप बोलते हो अंतराणु स्थान बोलते हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस में चीनी के अणु क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो चीनी क्या हो गई, गायब। यहाँ पे चीनी और पानी मिल करके क्या बना दिया, एक समांगी मिश्रण बना दिया। ये आपका जो शरबत बना,
ये क्या हो गया? एक बिलियन हो गया। वैसे भी आपके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, जिसमें कई गैस है, एक जैसी दिखती, अलग अलग नहीं दिखती है, लेकिन वायुमंडल में जो गैसें हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अक्रिय गैस है जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जीना, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, वायुमंडल में इन गैसों का एक क्या है, एक निश्चित कंपोजिशन है। इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट, कस के बोलो, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 78%। अरे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%, हाइड्रोजन कितना, 0.00004 लगेगा, 5%, आखिरी कैसे क्या ट्रेस अमाउंट में। तो सामान्य वायुमंडलीय रचना में, एटमॉस्फेयर की सामान्य रचना में इन गैसों का कंपोजिशन क्या है, फिक्स है, लेकिन मनुष्य की हरकतों के कारण आपके वायुमंडल का कंपोजिशन क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये लकड़ी वगैरह, फैक्ट्री वगैरह के चिमनी से निकलने वाला धुआं, इसमें तमाम तरह के हार्मफुल गैसेज जाकर के आपके वायुमंडल में जाकर के मिल जाएंगे, और आपके वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नॉर्मल कंपोजिशन को क्या कर देगी, गड़बड़ा देती है। यानी ये किसका काम करती हैं, प्रदूषक का काम करती हैं, पोल्यूटेंट्स का काम करती हैं, और ये प्रदूषक क्या करते हैं, आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो वायुमंडल भी क्या हो गया, क्योंकि कंपोजिशन तो फिक्स नहीं है, इसलिए वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें मिलकर के क्या बनाती हैं, एक विलयन बनाती हैं। यहाँ पे विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है, गैस का गैस में विलयन। तो बेटा क्या कहते हैं कि विलयन एक प्रावस्था तंत्र है, सिंगल फेज सिस्टम है, सिंगल फेज, जिसमें विलेय और विलायक मिलकर के एक जैसा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समअंग, ठीक है, समअंग हो गए, भगवान जैसे, जिसमें प्रकृति और पुरुष, भगवान और आत्मा मिलकर के क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, भक्त और भगवान। जब भक्त की लालसा भगवान से जुड़ जाती है तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ताजा जाना तो तुम्हें ही हो ही जाए, जो तुमको जान लेता है वो तो तुम्हारे जैसा हो जाता है। देन देयर विल बी नो एनी डिफरेंस बिटवीन डिवोट एंड डिवोर्स, भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही विलयन है, जिसके दो घटक, पहला घटक क्या है, विलय, और दूसरा घटक क्या है, विलाय, ठीक है। सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि जिसको घोला जाता है वो विलय और जिसमें घोला जाता है वो विलाय, लेकिन केमिस्ट्री में डेफिनेशन क्या है, विलयन के जो दो कंपोनेंट्स हैं, इसमें जिस कंपोनेंट्स की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा, और जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलय होगा, ठीक है बेटा। तो विलयन के दो कंपोनेंट्स, एक विलय और दूसरा विलाय, केमिस्ट्री के आधार पे जो परिभाषा दी गई, विलयन के दोनों कंपोनेंटों में दो, जो कंपोनेंट ज्यादा है वो क्या है, विलायक है, जो कंपोनेंट कम है वो क्या है, विलय। बात समझ आ गई। अब हम क्या देखेंगे, तो विलयन के दो कंपोनेंट, विलयन के क्या होते हैं, दो घटक, कौन, नंबर एक आपका हो गया विलेय, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और नंबर दो क्या हो गया, विलायक, जिसको आप बोलोगे सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है, कम मात्रा में रहता है, और विलायक क्या रहता है, अधिक मात्रा में रहता है। सुनिए जी बेटा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विलयन के प्रकार देखेंगे, ठीक है, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, यानी आपका आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें
विलेय की भौतिक अवस्था। विलेय की भौतिक अवस्था क्या? जो विलेय है वो ठोस अवस्था में हो सकता है, विलेय द्रव अवस्था में हो सकता है, विलेय गैस अवस्था में हो सकता है। और विलायक आपका ठोस हो सकता है, विलायक क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। विलायक क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। तो यहाँ पे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे, ठीक है, आपके कितने प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं? नौ प्रकार के विलयन क्या करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कभी कभी क्या होता है, ठोस को ठोस में मिला दिया जाता है, दो अलग अलग ठोस, दो अलग अलग धातुओं को मिला दिया गया, पिघला करके एक जैसा हो जाती है, और ये क्या बना देती है? मिश्र धातु बना देती है। जब दो अलग अलग ठोसों को एक निश्चित कंपोजिशन में, ठीक है, पिघला करके मिला दिया गया, वो समांगी बन गई, ऐसा विलयन आपका ठोस का ठोस में क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। और मिश्र धातु का एग्जाम्पल आपका है पीतल, ब्रश, जिसमें कॉपर 70% और जिंक क्या है? 30%। आप क्या करते हो? मिला देते हैं, ठीक है। तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठीक है। इसके बाद द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, इसके बाद गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, और गैस का गैस में विलयन। इस तरह आपके विलयन आपके क्या हो गए? नौ प्रकार के बन जाते हैं। अब बेटा हम कंसंट्रेशन के आधार पे विलयन के क्या करेंगे? प्रकार निकालेंगे। यानी क्या करेंगे? विलायक की एक निश्चित मात्रा लेंगे और उसमें दो अलग अलग विलयन बनाएंगे। एक विलयन में क्या करेंगे? विलेय की कम मात्रा डालेंगे और एक विलयन में क्या करेंगे? विलेय की अधिक मात्रा डालेंगे। लेकिन विलायक की मात्रा क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। वो विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या है? कम है, वो क्या होगा? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वो विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा है, वो क्या होगा? सांद्र विलयन। तो विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर यहाँ पे क्या करेंगे? विलायक की मात्रा क्या करेंगे? विलायक की मात्रा क्या कर देंगे? निश्चित कर देंगे। तो विलयन आपके कितने प्रकार के बन जाएंगे? दो प्रकार के बन जाएंगे। पहला बन जाएगा आपका तनु विलयन, यानी ये आपका बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा बन गया सांद्र विलयन। अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन क्या? तनु विलयन विलेय की मात्रा कम, और सांद्र में क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। बस समझ आ गया? बस समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे? विलेयता के आधार पे विलयन के प्रकार निकालेंगे। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि विलेयता कहां पर है। हम विलेयता आपकी होती क्या है? तो 100 ग्राम विलायक लेंगे और एक निश्चित दिए गए तापमान पे उसमें अधिकतम कोई विलेय जितना अधिक से अधिक घोला जा सके, इसको आप ऐसे समझो। 100 ग्राम पानी ले लो, कितना पानी? 100 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना पानी ले? 100 ग्राम।
और 100 ग्राम पानी में हम चीनी घोलते चले जाएं। थोड़ा चीनी मिलाए, हिला दें उसको, क्या करेगा भूल जाएगा। थोड़ा और चीनी मिलाओ, हिला दो, भूल जाएगा। चीनी ऐड करते जाइए थोड़ा थोड़ा, भूलता जाएगा। लेकिन एक स्टेज वो आएगी, कितना हूँ हिलाओगे, टेम्परेचर वही रखना, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। तो एक स्टेज वो आएगी जब पूरी चीनी नहीं भूल पाएगी, और पूरी चीनी नहीं भूल पाएगी तो क्या करेगी, पेंदी में अलग दिखेगी। तो जैसे ही ये आपका बिल्ले पेंदी में बैठना शुरू कर दे, यानी पूरा न भूल पाए, वहीं पे चीनी मिलाना क्या कर दो, बंद कर दो। तो अधिकतम बिले की मात्रा जो एक निश्चित दिए गए तापमान पे, कितने कितने ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में भूल सके, वो उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और दोस्तों आज का ये वीडियो लिंक हमारे नीट के लिए, क्लासेस के लिए भी इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पे अभी आज ही लोड हुआ है, आप इसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या होती है, विलेयता क्या है। विलेयता इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है बेटा। क्या कहा, कितने ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित दिए गए तापमान पे विलेय की अधिकतम विलीन मात्रा, विलीन मतलब जो बोला जा सके, विलीन मात्रा, ये क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। बात समझ में आ गया, ठीक है। यानी ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपान 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम घोली गई मात्रा, ठीक है। तो जब किसी विलेय में अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम मात्रा क्या हो, घुला हो, ऐसा विलेय क्या कहलाएगा, संतृप्त विलेय कहलाएगा। तो विलेयता के आधार पर विलेय आपके हो गए 3 प्रकार के। एक हो गया संतृप्त विलयन, जिसको आप अंग्रेजी में बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा हो गया असंतृप्त विलयन, अंग्रेजी में बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा हो गया अति संतृप्त विलयन, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा इन तीनों की हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे विलय की अधिकतम मात्रा, और अधिक नहीं भूलेगा, बोलोगे तो पेनी में दिखेगा। असंतृप्त क्या होगा, विलायक की 100 ग्राम मात्रा में दिए गए तापमान पे और अधिक विलेय आप क्या कर सकते हो, घोल सकते हो, ठीक है, और अधिक घोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त। लेकिन एक ऐसा विलेय जिसमें विलेय की मात्रा उसकी संतृप्तता से क्या है, ज्यादा है, यानी पेंदी में बैठा हुआ दिखेगा, ऐसा विलेय क्या, संतृप्त कहलाएगा। बात समझ आ गया। अब तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में हम लोग विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी विलेय की विलेयता डिपेंड करती है। तो ये बात आता है तापमान पे, और तापमान के आधार पे आपके विलेय 3 प्रकार के हो जाएंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो क्या करेगी, विलेयता बढ़ती जाएगी। और इस तरह के विलेय और विलायक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक उष्माशोषी, यानी कि जब विलेय और विलायक को मिलाए जाने पे उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, ऐसे विलेय की विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करेगी, बढ़ेगी। दूसरा ग्रुप वो आता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाए जाने पे विलेय की विलेयता क्या करे, घटे, विलेय की विलेयता घटे। ऐसा विलेय विलायक में मिलाए जाने पे वो क्या करेगा, उष्मा क्षेत्र क्रिया करेगा, यानी उष्मा क्या करेगी, रिलीज होगी। तो ऐसे विलेय की सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या करेगी, घटेगी। तीसरा वो होता है टेम्परेचर बढ़ाए जाने पे ना तो उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज करे और ना तो डिक्रीज करे। आपके बुक में ये लिंक नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रदीप सर की केमिस्ट्री की बुक में आज ही मैं यूट्यूब पे लोड किया हूँ, आप लोग देख सकते हो कि ऐसे स्टेज में उनकी सोलिबिलिटी क्या करेगी, न तो इंक्रीज करेगी न तो डिक्रीज करेगी। तो ऐसे सोल्यूट जिसमें हाइड्रेटेड क्रिस्टलीय जल है, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डॉट NH2, और जब ये कन्वर्टेड होता है किसमें, निर्जलीय हो जाता है सोडियम सल्फेट में, तो जहां पे क्रिस्टलीय जल है जैसे कॉपर सल्फेट, CH4, लेकिन ये होता है नीला ठोसा जिसको आप बोलते हो CH4 डॉट H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एक होता है आप धावन सोडा जानते ही हो, और धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो इसमें शुरू शुरू में क्या होता है, 9 जल के अणु निकल जाते हैं, और 9 जल के अणु निकल जाते हैं तो ये बना देता है क्या, Na2CO3.H2O। इसको भी हीट करते हो तो ये पूरा का पूरा जल निकल जाता है और ये बन जाता है Na2CO3, यानी कि निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका जो धावन सोडा है, इसको आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, क्योंकि इसमें क्रिस्टलीय जल है, इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो लिंक में सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही, आप हमारे अगले वीडियो लिंक की बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक्स। और ये हमारा कैंसर आसी लग गया है, ये हमारा कहाँ से